क्या लुटिनो और व्हाइट फिश की पेयरिंग कर सकते हैं? क्या टेम बर्ड ब्रीड करेगा? क्या कॉकटेल और अफ्रीकन लव बर्ड को साथ में रखना सही रहेगा? क्या बर्ड के लिए भूख होना जरूरी है? एक मेल को दो फीमेल के साथ क्रॉस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शहबाज बर्ड। जैसे कि आपने पहला पार्ट देखा होगा इस वीडियो का, ये इस वीडियो का सेकेंड पार्ट है। क्यूएनए का मोस्ट प्रोबली क्यूएनए का हमारा सेकंड पार्ट है। तो बाकी के 10 क्वेश्चन जो रह गए थे हमारे फर्स्ट वीडियो में, वो ये वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। वो वीडियो बहुत लंबी हो जा रही थी, बहुत से भाई लोग बोर हो जाते थे देख देख के, इसके लिए हम लोग ने सेकंड वीडियो शूट किए। तो अभी के 10 क्वेश्चन जो है वो हम लोग इसमें कवर करेंगे और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं अपना 11वां क्वेश्चन से। तो 11वां क्वेश्चन ये है कि क्या टेम बर्ड ब्रीड करते हैं? जी हाँ, देखिए क्वेश्चन सुनिए, क्या टेम बर्ड ब्रीड करते हैं? जी हाँ, टेम बर्ड ब्रीड करते हैं, मगर उसमें एक चीज ये है कि जब वो ब्रीड पे आता है तो उसकी थोड़ी सी टेमनेस जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि बर्ड एग्रेशन में आ जाता है। टेम बर्ड में बहुत सा मिसकंसेप्शन है मार्केट में या लोगों के बीच में कि टेम बर्ड भाई ब्रीड नहीं करता, टेम बर्ड ब्रीड कर लेता है। टेम बर्ड भी बर्ड होता है, मेल है तो मेल होता है, फीमेल है तो फीमेल होता है, और मेल हो या फीमेल हो, जो भी लिविंग थिंग में मेल या फीमेल है वो ब्रीड करते ही है। तो टेम बर्ड भी अच्छे से ब्रीड हो जाता है, लेकिन उसकी टेमनेस थोड़ी कम हो जाएगी जब वो ब्रीड पे आएगा, तब वो थोड़ा एग्रेशन में आ जाएगा और हो सकता है वो ब्रीड भी खराब करे, क्योंकि अगर वो आपसे ज़्यादा ही बॉन्ड है तो जब वो एग पे बैठा होगा या जब क्रॉसिंग कर रहा होगा, ऊपर से आप आ गए उसके सामने, तो वो आपके पास आने की कोशिश करेगा, वो आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट है, वो आपसे ज़्यादा बॉन्ड है। बस यही एक वजह है, बाकी कोई दूसरी कोई वजह नहीं है जिससे टेम बर्ड ब्रीड नहीं करे। टेम बर्ड ब्रीड नहीं करने की वजह सिर्फ एक ही है कि जब जिससे वो बॉन्ड है, समझ लो मेरा एक टेम बर्ड है वो मेरे से बहुत ज़्यादा बॉन्ड है, अब वो मीटिंग कर रहा है फीमेल के साथ, या मेल है या फीमेल है तो मेल के साथ में मीटिंग कर रही है, मेल है तो फीमेल के साथ में मीटिंग कर रहा है, या वो अंडे पे बैठे तो मैं जाऊँगा तो वो अपने अंडे और मीटिंग छोड़ के मेरे पास आने की कोशिश करेगा, इस वजह से उसकी ब्रीड खराब हो सकती है। दूसरा और कोई इसमें फॉल्ट नहीं है कि उसकी ब्रीड खराब होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब लेते हैं अपना 12वां सवाल। 12वां सवाल है अपना, क्या लुपिनो और व्हाइट फिश की पेयरिंग कर सकते हैं? देखो, अब पेयरिंग कर सकते हैं जब अगर कॉकटेल है, समझो एक कॉकटेल है या अफ्रीकन लवबर्ड है, एक स्पीशीज है, और वो स्पीशीज है तो स्पीशीज के साथ में आप किसी की भी पेयरिंग कर सकते हैं। शर्त यह है कि कॉकटेल है तो सामने दूसरा बर्ड भी कॉकटेल हो, अफ्रीकन है तो दूसरा बर्ड भी अफ्रीकन हो, जो मोस्ट प्रोबेबली होता है। अफ्रीकन है तो रिंग वैरायटी से पैर करें तो रिंग वैरायटी, और नॉन रिंग वैरायटी से पैर करें तो नॉन रिंग वैरायटी, बजीज है तो बजीज ही हो सामने, ऐसा नहीं कि बजीज और कॉकटेल की क्रॉस करनी हो जाए, ये तो मुश्किल है। तो लुपिनो इंटू व्हाइट फिश की पैरिंग सही रहेगी? जी हाँ, बिल्कुल सही रहेगी, क्यों सही नहीं रहेगी? उसमें आपकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी लुपिनो से व्हाइट फिश में कन्वर्ट होने की। लेकिन बहुत से लोग ये पेयरिंग क्यों नहीं करते, और मैं भी क्यों लोगों को बोलता हूँ कि ठीक है आप पेयरिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन जब आपको इजीली अवेलेबल है व्हाइट फिश म्यूटेशन तो आप 2 साल की वर्किंग क्यों कर लो, डायरेक्ट आप व्हाइट फिश बाय कर लो, डायरेक्ट आप व्हाइट फिश बाय करके व्हाइट फिश से पेयरिंग स्टार्ट करो, या फिर अगर लुपिनो में ही पेयरिंग करनी है आप तो लुपिनो ही बाय कर लो पूरा, ताकि लुपिनो की आपकी वर्किंग चलती है। तो इसका सोल्यूशन तो नहीं बोलूँगा, सॉरी, इसका आंसर सीधा सीधा यही है कि हाँ, लुपिनो और व्हाइट फिश की पेयरिंग कर सकते हैं, मगर अपने पास और भी ऑप्शन है इसकी पेयरिंग के अलावा। अब ले लेते हैं अपना 13वां सवाल, क्या कॉकटेल और अफ्रीकन लवबर्ड को साथ में रख सकते हैं? जी, इसका सवाल है नहीं। अगर आपकी कॉलोनी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी मीन्स एक बर्ड और दूसरे बर्ड के बीच में 6 फीट प्लस का फासला है, 6 फीट प्लस का फासला है, तब आप ये दोनों बर्ड को साथ में रख सकते हैं, वरना ये दोनों बर्ड को साथ में नहीं रखा जा सकता। अफ्रीकन लव बर्ड एक बहुत ही एग्रेसिव और एक बहुत ही नॉटी किस्म के नेचर का बर्ड है, और कॉकटेल ऑस्ट्रेलियन पैरेट है, कॉकटेल जो है वो एक बहुत ही शांत स्वभाव और एक बहुत ही शांत किस्म का बर्ड है, तो इसलिए ये दोनों आपस में नहीं रह सकते, क्योंकि अफ्रीकन लव बर्ड जो है वो कॉकटेल को हिट करेगा, वो उसको मारने की कोशिश करेगा। हाँ, अगर आपकी बड़ी कॉलोनी है, जैसे एक बर्ड से लेकर दूसरे बर्ड तक के 6 फीट का गैप मिल जा रहा है अपने को, इतनी बड़ी कॉलोनी है, जैसे एक मिसाल की 10x10 की कॉलोनी है, तो आप छोड़ सकते हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपकी छोटी कॉलोनी है तो आप नहीं छोड़ सकते, वरना अफ्रीकन लव बर्ड जो है वो अपने कॉकटेल पे हार्म करेगा, वो कॉकटेल को मारेगा। हाँ, बजीज और कॉकटेल साथ में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, मगर अफ्रीकन के साथ में नहीं रख सकते। अब ले लेते हैं अपना 14वां सवाल,
एक मेल को दो फीमेल से क्रॉस कर सकते क्या? जी बिल्कुल, हाँ आराम से क्रॉस कर सकते हैं, और इनकेस मैं किया भी हूँ एक मेल को दो फीमेल के साथ क्रॉस। देखो अक्सर ब्रीडिंग के टाइम पे फीमेल ज़्यादा लूज होती है, मेल इतना लूज नहीं हो पाता, मेल की एनर्जी इतनी वेस्ट नहीं होती, मेल इतना कमज़ोर नहीं होता जितनी फीमेल होती है। तो एक मेल को दो फीमेल के साथ आप क्रॉस कर सकते हैं। मेरे बर्ड्स बहुत चिल्ला रहे। तो एक मेल को दो फीमेल के साथ आप क्रॉस कर सकते हैं आराम से। उसमें कैसा करना है आपको, उसका पैटर्न कैसा रहेगा, जब एक मेल है अपना, मेल उसने शर्त यह है कि मेल आपका बहुत एग्रेसिव होना चाहिए, मेल आपका बहुत जीत वाला होना चाहिए, बहुत एकदम हार्ड मेल होना चाहिए जो मतलब फीमेल से जल्दी अट्रैक्ट हो सके। तो एक मेल के साथ एक फीमेल की आपने ब्रीड ले ली, उसकी ब्रीड कंप्लीट कर ली, फिर वो फीमेल को दो महीने का रेस्ट दे दिया, उस दो महीने के दौरान में दूसरी फीमेल अपने मेल के साथ छोड़ दो, उससे पैर अप करके एक ब्रीड ले लेंगे, जब तक वो रेस्ट पे रहेगी ये इसका ब्रीड चालू रहेगा, जब इसकी फीमेल की ब्रीड हो जाए ये फीमेल को वहां से उठा लो और जो पुरानी फीमेल थी उसको वापस छोड़ दो। ऐसा आप एक मेल के साथ दो फीमेल को चला सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद बात आ जाती है अपनी 15वें सवाल की। 15वां सवाल है कि क्या बर्ड के लिए धूप जरूरी है? जी हाँ, बर्ड के लिए धूप बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है हमारे पास। अगर आपके सेटअप पे या आपके बर्ड केज पे धूप नहीं आती है तो विटामिन D3 का इस्तेमाल करें, उससे आपके बर्ड की जो धूप की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन नेचुरल ऑलवेज बेस्ट, नेचुरल नेचुरल है, अगर नेचुरल मिल सकती है तो ठीक है, नहीं मिल पाती है तो आप D3 इस्तेमाल करें। अब है सबसे बेहतरीन सवाल जो है 16वां सवाल, क्या बर्ड का बिजनेस प्रॉफिटेबल है? तो जी भाई, इसमें तो बहुत से लोगों का एक मिथ भी बोलेंगे और एक ये भी बोल सकते हैं, एक डर है, एक मिथ है, एक लालच है और बहुत से नाम है। तो बर्ड का बिजनेस जो है वो ऑलवेज प्रॉफिटेबल है, जब तक आपके अंदर सबर हो। जहाँ आपके अंदर से सबर हटा वहाँ दुर्घटना घटी, वहाँ आपका प्रॉफिट जो है वो लॉस में कन्वर्ट होना चालू कर दिया। अब सबर किस बात के लिए हो? देखो, बर्ड हमको बेचना है ये चीज़ आप सोच के जब इसमें उतरोगे तो आप फेल हो जाएंगे। बर्ड हमको रखना है, पालना है, ये सोच के जब आप इसमें उतरोगे तो पास हो जाओगे। इसे ही कहते हैं सबर। जैसे बर्ड है कोई खिलौना नहीं है, कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं है जो आम आदमी को लगती है, तो ये बिकेगी नहीं बिकेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये बिकेगी तो कब बिकेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए इसका बिजनेस प्रॉफिटेबल उन लोगों के लिए है जिनको इनका शौक है, बर्ड्स का शौक है, वो बर्ड्स को बेचने के लिए एक शौक के हिसाब से पाल रहे हैं, तो उनको नहीं भी बिके तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो उन लोगों के लिए ये एकदम प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और जिन लोगों को सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि मुझे कोई शौक नहीं है, मैं बर्ड की गंदगी नहीं साफ कर सकता, मैं बर्ड को नहीं छू सकता, मैं बर्ड को पालना पसंद नहीं करता, एक फॉर्मेलिटी के तौर पर उनको दाना पानी डाल के चला जाऊंगा और जब बच्चे आएंगे तो मैं पैसा कमाऊंगा, तो उन लोगों के लिए इससे लॉस वाला बिजनेस कोई हो नहीं सकता, इसमें बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा उन लोगों को। तो बर्ड का जो बिजनेस है वो सिर्फ शौकीन लोगों के लिए, तो शौकीन लोग ही शौक करें जिसके अंदर दम हो बर्ड रखने का। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दम हो बर्ड रखने का? भाई जा 10 बर्ड की ब्रीड आ जाती है ना, लोग सोचते हैं कि भाई इसको 1000 में बेचूं कि 500 में बेचूं कि 400 में बेचूं, तो जब कोई उनसे बर्ड खरीदता नहीं है तो वो फिर बिजनेस को पोस्ट करते हैं, अरे बर्ड का बिजनेस बहुत खराब है, बहुत मंदा है, जाके शॉपकीपर को बेच देते हैं या तो उनको दाना डालना बंद कर देते, दाना बहुत महंगा पड़ रहा है, इतना कीमत नहीं है। तो उन लोगों के लिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई आप अगर ऐसा करना चाहते हो तो प्लीज़ इसमें आओ ही मत और ये हॉबी को खराब करो ही मत। अगर ये हॉबी को अच्छा रखना है आपको तो बर्ड्स को होल्ड करना सीखो। बर्ड को होल्ड करना जिस दिन आप सीख जाओगे उस दिन आप इस प्रॉफिट इस बिजनेस में प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाओगे, या नहीं भी कमाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको शौक है बर्ड रखने का, आपको बर्ड होल्ड करने का, आपको बर्ड बेचने का शौक है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद आ जाता है 17वां सवाल जो बहुत ही अच्छा है लेकिन एक कॉमन सा है, क्या बर्ड को डेढ़ बाय डेढ़ के केज में रख सकते? देखो डेढ़ बाय डेढ़ के केज में तो मेरे हिसाब से किसी को भी नहीं रखना चाहिए, चाहे कोई भी बर्ड हो छोटे से छोटा बर्ड, कम से कम आप 2x2 का तो प्रीफर करो या 2x1.5 का तो प्रीफर करो। मैं ये छोटे बर्ड्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि बजीस, अफ्रीकन लव बर्ड और कॉकर बर्ड, तो कम से कम आप 1.5x2 का रखो बजीस के लिए, 2x2 का रखो या 2.5x2 का रखो अफ्रीकन के लिए, या 2.5x1.5 का रखो अफ्रीकन के लिए, और कॉकर के लिए 2.5x1.5 के ऊपर जो डिसाइड है वो रख सकते।
उससे डेढ़ बाई डेढ़ का केज कोई केज ही नहीं होता, वो एक ट्रेवल केज होता है जिसमें आप लेके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, उसमें पाल नहीं सकते बर्ड। 18वां सवाल, बर्ड कितने सालों तक ब्रीड कर सकता है? देखो भाई, बर्ड कितने सालों तक ब्रीड कर सकता है ये तो डिपेंड करता है आपकी डाइट क्या दे रहे हैं आप उसको, आप कितना उसको फॉर्मूला लगा रहे हो। नेचुरल फार्मूले की बात नहीं करूँगा मैं, जो आर्टिफिशियल फार्मूला लगाते हैं वो नहीं लगाना चाहिए बर्ड को, उससे बर्ड की ब्रीडिंग लाइफ कम होती है। वो साल दो साल अच्छी ब्रीड करता है, बाद में ब्रीड करना बंद कर देता है, या एक आध बच्चे पे आ जाता है या इनफर्टाइल पे आ जाता है, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है ब्रीडिंग फार्मूले से। नेचुरल ब्रीडिंग फार्मूला यूज करते हो आप, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया भी, आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, और आपको चाहिए तो वो प्रोडक्ट मेरे पास से मिल भी जाएगा। अगर वो फार्मूले से आप ब्रीड ले रहे हो तो बर्ड अपनी लाइफ स्पैन में जहाँ तक वो ब्रीड कर सकता है वो करेगा। जैसे कि अगर कोई बर्ड की 15 साल लाइफ स्पैन है और वो जीता है आपके पास 15 साल, तो वो 15 साल तक ब्रीड करेगा, ब्रीड करना बंद नहीं करेगा, वो ब्रीड करेगा। इतना है कि जब वो पहले दूसरे साल में वो 4-4 बच्चे पाल रहा था, 4-4 बच्चे निकाल रहा था, वो धीरे धीरे 2 या 1 पे आ जाएगा, मगर वो ब्रीड तो करेगा, ठीक है, वो नेचुरल चीज है, उसको नहीं रोक सकते। लेकिन ब्रीडिंग फार्मूला से जो आर्टिफिशियल दबा के खिलाते हैं हम लोग, उससे हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए, जल्दी ब्रीड करना बंद कर देगा। तो ले लेते हैं अपना 19वां सवाल। 19वां सवाल है कि यार बर्ड को सॉफ्ट फूड देना जरूरी है? जी हाँ, बर्ड को सॉफ्ट फूड देना जरूरी है, 110% जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो विटामिन की और जो क्या बोलते हैं इसको, जो जो इंग्रेडिएंट्स की उसकी जरूरत है, जो जो मतलब जो जो विटामिन की या कैल्शियम की या आयरन की जो जो उसकी जरूरत है, वो सिर्फ स्वीट मिक्स पूरा नहीं कर पाती, उसको सॉफ्ट फूड चाहिए। और ऐसा नहीं कि एक ही सॉफ्ट फूड चाहिए, उसको हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार अलग अलग किस्म के सॉफ्ट फूड दो और डेली दो, हालांकि जब तक के बर्ड फैट ना पकड़ ले। फैट अगर बर्ड पकड़ता है तो उसको सॉफ्ट फूड कम किया जाता है, लेकिन अगर आपका बर्ड फिट रखना है आपको तो कम क्वांटिटी में दो, लेकिन रेगुलर सॉफ्ट फूड दो और चेंज कर करके दो, तो बर्ड की लाइफ भी अच्छी रहेगी, बर्ड हेल्दी भी रहेगा और माशाल्लाह अच्छी ब्रीडिंग भी करेगा। अब ले लेते हैं फ्रेंड्स एकदम आखिरी सवाल इस वीडियो का, और हमारी ये दोनों सीरीज का आखिरी सवाल है, क्या बर्ड मार्केट से लेना सही रहेगा? देखिए, अभी इतनी समझ तो सबको है, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, भाई लोग क्वेश्चन भी करते हैं तो ये समझ उनको भी होनी चाहिए, लेकिन वो एक राय के हिसाब से करते हैं, एक राय तो लूँ मैं भाई से क्या बोलते हैं। देखो, जहाँ अच्छा बर्ड मिल रहा है ना वहाँ से लेना सही रहेगा, और आप बाकी क्या कुछ समझदार है, जहाँ आपको अच्छा मिले वहाँ से आप बाय कर। मार्केट में देखो, मार्केट में 10 बर्ड अच्छे भी आते हैं, 10 बर्ड बुरे भी आते हैं, तो आपकी नज़र होनी चाहिए कि ये बर्ड अच्छा है मैं इसको बाय करूँ, ये बर्ड अच्छा नहीं है मैं इसको बाय नहीं करूँ, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका ये क्वेश्चन का आंसर आप ही हो, तो भाई आप खुद डिसाइड करो, जो बर्ड अच्छा दिख रहा है वो उठा लो, जो बर्ड अच्छा नहीं दिख रहा है वो मत उठा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से बढ़िया टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपको मज़ा आएगा ये वीडियो पूरा देखना, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और उम्मीद करता हूँ आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और भी कुछ सवाल है तो इंशाल्लाह थोड़े दिनों में या 2 वीक में या 1 वीक में हम लोग दूसरा एक Q&A सेक्शन लेंगे, उसके अंदर हम लोग सब अपने सवालों के जवाब देंगे। चलते, बाय।